Take a look at what happened. ट्रंप के कान को चीरते हुए निकली गोली। अमेरिका में चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई है। उनके कान में करीब से गोली चली, जिससे आधा चेहरा खून खून हो गया। पेंसिल्वेनिया के बटलर में डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान गोलीबारी की घटना हुई। गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। वीडियो में दिख रहा है कि गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को चीर कर निकल गई। हमलावर मौके पर हुआ ढेर। अमेरिकी जांच एजेंसियां इस मामले को डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के साजिश के रूप में देख रही हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावर को मार गिराया है। हमले से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की तेजी देखी जा सकती है। बाज जैसी नजर रखने वाला सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने पहले ही हमलावर को भांप लिया था। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने एक छत से सैकड़ों गज की दूरी पर हमलावर को गोली मारी। इमारत की छत से बनाया गया निशाना। डोनाल्ड ट्रंप के कान पकड़ते ही सीक्रेट सर्विस स्नाइपर अपनी बंदूक से पीछे हटकर देखता है। बता दें कि यह वह समय था जब ट्रंप पर गोली चल चुकी थी और उनके कान में लगी थी। राइफल से लैस एक युवक लगभग 120 मीटर की दूरी पर एक इमारत की छत पर था। कानून प्रवर्तन ने घटनास्थल से एक एआर स्टाइल राइफल बरामद की है। बीस साल का था हमलावर मैथ्यू क्रूक्स। हमलावर की पहचान बेथल पार्क पेंसिल्वेनिया के रहने वाले 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में हुई है। यूएस सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर के सिर में गोली लगी और वह मौके पर ही ढेर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का ओपन एयर कैंपेन बटलर फार्म शो ग्राउंड में आयोजित किया गया था। ये इतना ओपन स्पेस था कि स्नाइपर को निशाना साधने में कोई परेशानी नहीं हुई।